नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 23 दिसंबर बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की खास खबरें। कोरोना वैक्सीन को लेकर नीति आयोग सदस्य वीके पॉल ने कहा कि कोरोना वैक्सीन फिलहाल बच्चों को नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बच्चों के ऊपर कोरोना वैक्सीन का अभी ट्रायल नहीं किया गया है। ज्यादातर कोरोना केस बड़ी उम्र के लोगों में सामने आए हैं, ऐसे में बच्चों में कोरोना वैक्सीनेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। भरतपुर जिले के रुदावल थाना क्षेत्र के आगरा करौली स्टेट हाईवे 21 पर गांव जरीला के पास बालाजी होटल पर बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार बदमाशों ने होटल के कर्मचारियों के साथ मारपीट की तथा होटल के पास स्थित शराब गोदाम में आग लगा दी। करीब 2 दर्जन से अधिक बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। बदमाश होटल व शराब गोदाम से नकदी भी लूट कर ले गए। बदमाशों द्वारा होटल पर फायरिंग किए जाने की भी जानकारी मिली है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। RRB NTPC भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड कल जारी होंगे। 28 दिसंबर से शुरू होने वाले पहले चरण की RRB NTPC भर्ती परीक्षा की स्थिति, डेट की डिटेल व ट्रैवलिंग अथॉरिटी पहले ही जारी हो चुकी है। इसके अलावा CBT की प्रैक्टिस के लिए मॉक लिंक भी एक्टिव हो गया है। RRB ने कहा कि एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से 4-4 दिन पहले जारी होंगे, यानी जिन अभ्यर्थियों का एग्जाम 28 दिसंबर को होगा उनके एडमिट कार्ड 24 दिसंबर को जारी होंगे। सीकर जिले के उद्योग नगर थाना क्षेत्र ग्रामीण इलाके में दूध लेने गई एक महिला को कमरे में बंद कर दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि आरोपी युवक ने महिला के अश्लील वीडियो भी बना लिए, जिसे वायरल करने की धमकी देकर वह उसके बाद भी 1 साल तक उसका देह शोषण करता रहा। महिला को गंदे मैसेज व वीडियो भी भेजता रहा। आखिरकार परेशान होकर पीड़ित महिला ने मामले में अब पुलिस थाने के अंदर मामला दर्ज करवाया है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता से जाँच शुरू कर दी है। पीड़िता के दुष्कर्म के आरोपी युवक ने उसके नंबर एक अन्य युवक को भी दे दिए, जिसके बाद वह युवक भी फोन कर महिला से अश्लील बातें करने लगा। झुंझुनू जिले के बगड़ थाना क्षेत्र में कैंपर से कुचलकर एक युवक की हत्या कर देने की जानकारी सामने आई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। 22 वर्षीय मृतक माखर की ढाणी का रहने वाला था। परिजनों ने 3 युवकों पर कैंपर से कुचलकर युवक की हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने बताया कि 3 युवक फरार हैं। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले दिनों में आम आदमी को लाइसेंस और वाहन संबंधी काम के लिए RTO कार्यालय में इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। अब लोग सोशल मीडिया के जरिए लाइसेंस, पंजीयन, परमिट आदि कामों की जानकारी घर बैठे ही ले सकेंगे। परिवहन विभाग ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आवेदक को आवेदन के साथ क्या प्रपत्र लगाने हैं, कितनी फीस लगेगी आदि के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। इससे जहाँ समय की बचत होगी, वहीं दलालों को भी अधिक सुविधा शुल्क नहीं देना पड़ेगा। राजधानी जयपुर में फर्जी दस्तावेज से विभिन्न बैंकों से कार लोन लेकर ठगी करने का मामला सामने आया है। मामले में डीलर की चतुराई से शातिर ठग पकड़ा गया। जब डीलर को पता चला कि आरोपी ने कई जगह से फर्जी दस्तावेज से कार पर लोन लिया है, तो डीलर ने उसे 40,000 रुपये का बम्पर गिफ्ट निकालने का झांसा दिया और उसे अपने शोरूम पर बुलाकर सिंधीकैम पुलिस को सूचना दी। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने जयपुर सहित अनेक जगहों से 28 कार लोन, 15 पर्सनल लोन व 9 कंज्यूमर लोन फर्जी दस्तावेजों से लेने की बात कबूली है। अब नेताओं की डिजायर या अधिकारियों के आदेश से शिक्षकों को किसी भी विभाग में डेपुटेशन पर लगाना आसान नहीं होगा। अब शिक्षा निदेशालय से ऑनलाइन परमिशन मिलने के बाद ही शिक्षकों को डेपुटेशन पर लगाया जा सकेगा। इसके बाद ही तनख्वाह बनेगी। शिक्षकों की नियुक्ति का पूरा डेटा ऑनलाइन होगा। इसके विभाग को एक क्लिक में ही पता चल जाएगी कि कौन कहाँ डेपुटेशन पर है। अब तक स्थानीय स्तर पर ही डेपुटेशन की प्रोसेस हो जाती है। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने फैक्चुअल रिपोर्ट मांगी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी घोटाले में पुलिस रिपोर्ट तलब की है। हाईकोर्ट ने जोधपुर निवासी नरेंद्र सिंह राठौर द्वारा दायर याचिका पर यह रिपोर्ट मांगी है। यह फैक्चुअल रिपोर्ट न्यायाधिपति मनोज कुमार गर्ग द्वारा मंगवाई गई है। तेजी से बढ़ते साइबर क्राइम को देखते हुए प्रदेश के 1500 पुलिसकर्मियों को ट्रेड किया जाएगा। इसके अलावा नई भर्ती होने वाले पुलिसकर्मियों के कोर्स में भी बदलाव होगा और साइबर क्राइम की परीक्षा में अंक बढ़ाए जाएंगे। राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक ADG राजीव शर्मा ने कहा कि साल भर में प्रदेश के हेड कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक 1500 पुलिसकर्मियों को साइबर क्राइम रोकने के लिए ट्रेंड किया जाएगा। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर क्राइम को देखते हुए प्रत्येक जिले में पुलिसकर्मियों को 3 दिन की ट्रेनिंग देंगे, फिर उन्हें पुलिसकर्मियों में से चयन कर 5 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। 1 सप्ताह में 1 कोर्स पूरा करने का टारगेट रखा गया है।
इंडियन रेलवे आए दिन होने वाली रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हवाई जहाज की तर्ज पर ट्रेन चलाने वाले लोको पायलटों की बात रिकॉर्डिंग की व्यवस्था करने जा रहा है। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर भोपाल में कोटा मंडल में ट्रेनों के इंजन में क्रू वॉइस एंड वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम लगाए जाने लगे हैं। तीनों मंडलों के पास इलेक्ट्रिकल व बिजली के 800 इंजन हैं। रेलवे द्वारा इस तरह के सिस्टम लगाए जाने से पायलटों की बेवजह बात करने पर रोक लगाई जा सकती है। हवाई जहाज के पायलट की तरह रेलवे भी लोको पायलट की बातचीत की रिकॉर्डिंग वॉइस और वीडियो दोनों रूप से करेगा। इसका फायदा यात्रियों को होगा। जयपुर के सांगानेर सदर इलाके में सूने मकान के ताले तोड़कर चोर सोने चांदी के गहने नकदी व कीमती सामान चोरी कर ले गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि गोविंदपुरा सांगानेर सदर निवासी रामराज गुज्जर का परिवार रिश्तेदारी में गया हुआ था। चोर घर से सोने की बाली, चांदी की पायजेब जोड़ी व 30,000 रुपये कीमती सामान के साथ ही घरेलू सामान भी चोरी कर ले गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाकर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।